हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज फैशन बुटीक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सुंदर स्लीव डिज़ाइन बनाएंगे और ये बहुत ही डिसेंट डिज़ाइन है और ये ज़्यादातर डिज़ाइन रेडीमेड स्लीव्स में होता है। तो स्लीव्स की कटिंग मैंने की हुई है और उसके लिए मैंने ये दो फैब्रिक काटे हुए हैं। इसकी लंबाई मैंने 7 इंच ली है और इसकी चौड़ाई जितनी है, जितना हमारा स्लीव का बॉटम है उतनी लेंगे। ये देखिए, हमारे स्लीव की बॉटम से 1-2 इंच ज़्यादा ही है तो हम इसी हिसाब से लेंगे। एक पेपर पेस्टिंग लेंगे जिसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और लंबाई 5 इंच ली है। अब इसको फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे बिल्कुल बराबर तरीके से और इसको तिरछा कट करेंगे। अब यहाँ भी हम कटिंग करेंगे, थोड़ा कर्व देते हुए हम कटिंग करेंगे और पट्टी को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से कटेगी। और अब इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। ये डिज़ाइन बनाने के लिए हम 2 कलर के फैब्रिक का यूज़ करेंगे तो वो स्लीव ज़्यादा ही सुंदर लगेगी। तो ये देखिए, मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है पेस्टिंग को और ये हमारा कपड़ा डबल था तो मैंने डबल ही फोल्ड कर लिया था प्रेस से। अब हम इसको बीच से कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा पट्टी की भी पीछे से कटिंग कर देंगे। अब पेस्टिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब कोने पे आके हम फुट को उठाएंगे और फिर सिलाई लगाएंगे और कोने पे आ जाएंगे, उसके बाद रुकेंगे, सुई को फैब्रिक के अंदर करेंगे। और ये मैंने डबल धागा लिया है। अब दोनों फैब्रिक के नीचे हम थ्रेड को डालेंगे और सुई को उठाएंगे और आगे करेंगे। ये देखिए, मैंने एक टांका लिया और ये धागा हमारा अंदर चला गया। अब मैंने इसको साइड में कर दिया है। अब मैं इसको बाद में बताऊंगी कि हमने धागा क्यों लगाया है। ये हमारा एक बार धागा निकल गया था, मैं इसे दोबारा करूंगी। ये देखिए, बिल्कुल हमें फैब्रिक के बीच में रखना है। फैब्रिक के बीच में रखे बिल्कुल हमें सुई से टच करना है थ्रेड को। और अब एक टांका लगाएंगे। ये हमने लगा लिया। अब ये देखिए, धागा अच्छी तरह फिक्स हो गया, मैंने खींच के भी दिखा दिया। अब इसको साइड में कर देंगे और पट्टी को घुमाएंगे और सिलाई लगाना शुरू करेंगे। फिर सिलाई को रोकेंगे, फुट को उठाएंगे और घुमाकर सिलाई लगा देंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग करेंगे, एक पैर का मार्जिन रखेंगे सिर्फ और बाकी फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। ध्यान रहे हमारे धागे की कटिंग ना हो जाए। ये कटिंग करने के बाद थोड़े कट लगा लेंगे हम तिरछे, क्योंकि हमने हल्का सा कर लिया था। कट लगाने के बाद हम पट्टी को सीधा करेंगे। ये मैंने पक्का नहीं किया था तो आप सिलाई लगाने से पहले अच्छे से पक्का कर लें, क्योंकि हम पट्टी को सीधा करेंगे तो हमारी सिलाई खुलने का डर रहता है, इसलिए मैंने पक्का कर लिया। अब ये देखिए, हम इस तरीके से पट्टी को सीधा करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे। ये देखिए, हमने पट्टी को सीधा कर लिया है और धागे को खींचा तो जो हमारा ये बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट था वो हमारा बिल्कुल सीधा हो गया।
अब ये जो दोनों साइड के पॉइंट हैं इन्हें भी हम सीजर की हेल्प से निकाल लेंगे। ये देखिए पट्टी के तीनों ही कोने हमारे बड़े फिनिशिंग के साथ निकले हैं। हम धागे को खींच लेंगे और निकाल देंगे और पट्टी में अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पट्टी में अच्छे से प्रेस कर ली है। अब हम स्लीव डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो दो स्लीव में से हमने एक स्लीव ले लिए, ये हमारा सेंटर दिखाई दे रहा है स्लीव का। ये देखिए इस तरीके से। अब हम पट्टी का सेंटर भी निकाल लेंगे जो हमने 7 इंच लंबी ली थी। और आप, मैंने ये डबल करके यूज़ करने वाली हूँ, आप इसे सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस पट्टी को 4 इंच लंबा लें, मैंने ये 7 इंच लिए तो आप 4 इंच लेंगे। आप स्लीव को उल्टा रखेंगे और ये देखिए सेंटर का निशान दिखाई दे रहा है। और हम तीनों पे सेंटर निकाल लेंगे, पट्टी का भी निकाल लेंगे और जो हमने ये लूप बनाया था इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे और इस तरीके से नाप के देखेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ चौक से निशान लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग करेंगे और इस पट्टी का भी हम सेंटर निकालेंगे। और स्लीव के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और अब इसके ऊपर ये पट्टी रखेंगे जो हमने 7 इंच लंबी ली थी। और जो लूप का कोना है हमारे स्लीव के सेंटर से बिल्कुल बराबर मिलना चाहिए। अब हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। इसलिए पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है और ये काफ़ी डिसेंट डिज़ाइन है। और ज़्यादातर ये रेडीमेड कुर्तीज़ में आपको हमेशा ही ज़्यादातर मिलेगा आपको। और ये ऑफिस वियर कुर्ती में ये डिज़ाइन अच्छा लगता है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचा सकें। और साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अभी देखिए मैंने लेफ़्ट साइड में सारा मार्जिन कर दिया है और एक टॉप सीम लगा ली है ताकि हमारी पट्टी बाहर की तरफ फोल्ड हो सके। अभी हमने स्लीव को सीधा कर लिया है। अब हमारी पट्टी इस तरीके से आएगी। अब मैं इसमें बाहर कोई भी सिलाई नहीं लगाऊँगी, मैं इसको ओपन रखने वाली हूँ। और ये डबल है इसलिए हम इसे ओपन रख सकते हैं, अगर हम सिंगल रखते तो फिर जो हमारी सिलाई है वो दिखाई देती। अब ये डबल है इसमें सिलाई नहीं दिखाई देगी। आप कोई भी इसमें बटन लगा सकते हैं। ये देखिए मैं फैब्रिक बटन लगा रही हूँ ब्लैक कलर का, आप डिज़ाइनर बटन भी लगा सकते हैं। और हम सिलाई लगाएंगे जो हमने पट्टी बिना स्टिच छोड़ी है, जिसमें हमने स्टिच नहीं लगा। ये देखिए धागा हमारा उस साइड चला गया। अब हम धागे को घुमाएंगे और इस तरीके से धागे को इधर घुमा देंगे। अब मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने धागा क्यों लगाया है, बाद में बताऊंगी कि हमने धागा क्यों लगाया है। और फिर हम इस सिलाई को आगे करेंगे। अब जैसे हमने इधर सिलाई लगाई लगाने ये हमने सिलाई लगा ली है। हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे तो ये हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। अब इधर थोड़े की तिरछे कट लगा लेंगे। एक ये बहुत ही इजी डिजाइन है और बहुत ही डिसेंट है। अब हम इस पट्टी को सीधा करेंगे।
अब हम इस पट्टी को सीधा करेंगे, तो हम इसको धीरे धीरे ऐसे फोल्ड करेंगे और धीरे धीरे सीधा करना शुरू करेंगे। इस धागे को हम धीरे धीरे ऐसे खींचेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब ये हमारी जो पट्टी की नोक थी वो बहुत ही आसानी से निकल गई है। अब हम इस पट्टी को यहाँ से सीधा करेंगे जो इसकी नोक थी, और यहाँ से भी सीधा कर लेंगे। अभी देखिए हमारी नोक बिल्कुल बराबर तरीके से निकल गई है। अब हम धागे को खींच लेंगे और बाहर निकाल देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी नोक कितनी आसान तरीके से बाहर की तरफ निकल गई है। अब हम इस पर एक बार अच्छे, ये देखिए हमने पट्टी पे प्रेस कर लिए। अब हम स्लीव लेंगे। स्लीव लेने के बाद ये हमारी स्लीव का सेंटर है, ये देखिए ये हमारा स्लीव का सेंटर है। और ये जो हमने 7 इंच लंबी पट्टी काटी थी उसको मैंने प्रेस कर लिया है, और ये देखिए इस तरीके से डबल कर लिया है। आप चाहो तो ये सिंगल में भी कर सकते हो। तो आपको ये 4 इंच लंबी पट्टी लेनी पड़ेगी, और जितना हमारा स्लीव का बॉटम है इतनी लेनी पड़ेगी। अगर आप कंटास्ट, हम इस पट्टी को लेंगे, ये देखिए इसका भी मैंने सेंटर निकाला है। अब स्लीव को ऐसे रखेंगे उल्टा, अब उल्टे में हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये निशान लगाने के बाद जो हमारी ये वाली पट्टी है हम इसका हिसाब देखेंगे। इस तरीके से ये हमारी पट्टी ऐसे आनी चाहिए, इस तरीके से। तो हम इस पर ऐसे एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इस पट्टी की कटिंग कर लेंगे, और इस पट्टी को ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे, और इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे इस तरीके से। तो हम इसको ऐसे रखेंगे, पेस्टिंग वाला पार्ट नीचे की तरफ होगा और जो सिंपल है वो ऊपर की तरफ, क्योंकि फिर हमारा पेस्टिंग वाला पार्ट इस तरीके से बाहर की तरफ आ जाएगा। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे रखने के बाद इस पट्टी को भी ऐसे रखेंगे। और ये देखिए हमारी ये जो वाली ये इस पट्टी की नोक है, इस लुप्पी की नोक हमारी स्लीव के सेंटर में आनी चाहिए। और इस पट्टी को हम ऐसे रखेंगे, और एक पैर की सिलाई लगाते हुए, एक पैर का मार्जिन लगाते हुए सिलाई लगाएंगे। पट्टी का सेंटर हमारा हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा स्लीव डिजाइन बेकार लगेगा। बिल्कुल हमें नोक बिल्कुल बराबर रखनी है। ये हमारी पट्टी लग गई, हमने सिलाई लगा ली है। अब ये हमारी पट्टी इस तरीके से बाहर की साइड आ जाएगी। तो हम फैब्रिक को ऐसे करेंगे, और लेफ्ट साइड मार्जिन भी हमारा लेफ्ट साइड है, और हम लेफ्ट साइड एक टॉप सीम लगाएंगे। अब यहां से जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है हम कटिंग कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, तो ये हमारी बहुत ही इजी तरीके से फोल्ड हो जाएगी इस तरीके से। अभी देखिए डबल लगाने का ये फायदा है, अगर आप सिंगल लगाते तो आपको यहाँ पे सिलाई लगानी पड़ती, लेकिन मैं यहाँ सिलाई नहीं लगाऊंगी। और इस तरीके से अब हम इस पट्टी को ऐसे ऐसे रखेंगे, और कोई भी मैचिंग का बटन, ये देखिए इस तरीके से हम बटन लगाएंगे। ये देखिए हमारा स्लीव डिजाइन तैयार हो चुका है, और ये कंट्रास्ट में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप ये वाली पट्टी हमारी, जैसे हमारा ये ब्लैक बटन है तो ये हम ब्लैक पट्टी रखते, और ये वाली पट्टी